नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज इस समय की जो सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो है पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पप्पू यादव जेल से छूटने के बाद आज पटना पहुंचे। पटना स्थित अपने आवास पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें उन्होंने कई तरह के जो है आरोप विपक्ष पे लगाए और सत्ता पक्ष पे भी लगाया। इन सब मुद्दों के बीच में सबसे बड़ी बात यही है कि वो विपक्ष पे क्यों बरस रहे हैं। तो आपको बता दें कि विपक्ष पे बरसने का सबसे बड़ा कारण यही है कि तेजस्वी यादव पे वो जो है लगातार सियासी हमले बोलते रहे हैं, इससे पहले भी बोलते रहे हैं, और एक बार फिर से आज जब वो जेल से छूटकर बाहर आए तो वो एक बार फिर से जो है तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछले एक साल से अगर हम देख लें तो ईडी का जो मामला है वो राजद परिवार पे नहीं निकलकर सामने आया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बीजेपी और राजद ये दोनों जो है मिलीभगत है और दोनों जो है मिल करके एक तरह से कह लें कि जनता को मूर्ख बना रही है। साथ साथ उन्होंने बीजेपी पे कई बड़े आरोप लगाए, खास करके अगर हम कोरोना काल की बात कर लें तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लेकर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रदेश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनका जो है हॉस्पिटल है और कोरोना काल के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपये कमाए हैं। इस तरह के कई ऐसे जो है बयान पप्पू यादव ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। पूरी सरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष गायब थी, सब लोग अपने अपने घरों में थे। बिहार के हर अस्पतालों में चारों तरफ चित्कार था, लाशें थी, आंसू थे, मौत का सन्नाटा था, सबकी उम्मीदें खत्म हो गई थी। दवाई के लिए परेशान थे, एम्बुलेंस के लिए परेशान थे, एम्बुलेंस कभी बालू में, कभी दारू में, कभी औरत की ढुलाई में गायब थी। पूरा का पूरा जो नर्सिंग होम है, जो फर्जी नर्सिंग होम है, वो लाखों करोड़ों रुपया लाश को खत्म करके मारने की तैयारी कर ले। लगभग हर फर्जी नर्सिंग होम में मौत का सन्नाटा। और अब हम नहीं कर रहे हैं, नीति आयोग कहता है कि भारत का सबसे फिसड्डी स्वास्थ्य विभाग और बिहार है। एक भी सरकारी अस्पतालों में कोरोना में लोग बचे नहीं, लगभग लोगों को मार दी गई। ऑक्सीजन नहीं था कहीं, कंप्लीट कोलैप्स कर गया था। ड्रग्स माफिया तबाह कर दिया था। कोई एक व्यक्ति नहीं था जिसके घर पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर ना पहुंचाया। कोई व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने दवाई की नींद की उन्हें मदद ना मिली हो। कोई व्यक्ति नहीं था जिन्हें वेंटिलेटर की व्यवस्था ना की गई हो। लगभग वेंटिलेटर की व्यवस्था हमने की, आईपैक की व्यवस्था हमने की। उसके बाद अचानक 11 तारीख को चार मंत्री, एक स्वास्थ्य विभाग का, तीन अन्य मंत्री जिनका नाम लेना जरूरी नहीं है, एक एमपी, लगातार सरकार पर और दो पदाधिकारी, 6 आदमी, 1 महीने से लगा हुआ था कि पप्पू यादव सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार को नंगा किया जा रहा है। जबकि मैं सरकार को नंगा नहीं कर रहा था, सरकार को उनकी कमजोरी और उनकी कमियों को मैं दिखा रहा था कि आप बिहार की जनता को बचाएं। बहुत क्लियर थी, हम लगातार स्वास्थ्य मंत्री से बात करते थे, मेरे पास उसके ब्लूप्रिंट है। जब भी कोई घटना घटी, कौन कौन मंत्री है जिनके यहाँ नर्सिंग होम है, उनको मैं हाईकोर्ट देने जा रहा हूँ। लगभग मिनिस्टर है जिनके नर्सिंग होम में पैसे लगे हुए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री गए नर्सिंग होम है जिसका स्वास्थ्य मंत्री उद्घाटन किया है, और वहां पर करोड़ों करोड़ रुपया की उगाही हुई कोरोना के नाम पर। हम नीतीश कुमार को, जिनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन चुरबुटों से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बिहार की जनता से मतलब नहीं है, पैसे भरने से मतलब है। उनकी चिंता जो ड्रग्स माफिया, एम्बुलेंस माफिया से पैसा लिए हुए थे नर्सिंग होम से, उन लोगों ने साजिश करके 30 साल पहले भी एक बार हम पर साजिश हुई थी। और पुनः जब हमने सेवा और संघर्ष
जब पूरी की पूरी पार्टी विपक्ष गायब थी तब हम लोग सड़कों पर थे, और दो महीने के बाद 11 तारीख को जबरदस्ती जो फर्जी केस था जिसमें हमको बेल नहीं मिली है, एक कोई पार्टी है जो खुद आईबी और ईडी सीडी से डरती है, जो सीबीआई से डरती है, जिसका समझौता आंतरिक रूप से कंप्लीट बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का नाम नहीं लेती है, वह बीजेपी पार्टी के नेताओं का नाम नहीं लेती है, उसका मकसद सिर्फ सत्ता पाना है, चाहे कोई भी विचारधारा खत्म करके। क्या हुआ, ईडी के इतने केस उस वक्त प्रत्येक दिन अस्पताल पर कोर्ट जा रहे थे लोग, आज 1 सालों से ईडी का केस कंप्लीट साइड ट्रैक हो गया, और सिर्फ नीतीश कुमार सवाल होता है, बीजेपी सवाल उसके लिए नहीं होता। भारत बंद में गायब, कोरोना में गायब, महंगाई में गायब, एनआरसी में गायब, किसी भी मुद्दे पर वो बात में गायब। तो मेरा सवाल बहुत साफ है, 300 करोड़ रुपया ईडी ने उसकी प्रॉपर्टी को फ्री कर दिया, जिसको सीज किया था, अटैच किया था, 300 करोड़ किस समझौता के तहत, और पप्पू यादव की रिहाई माननीय विद्वान न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि पप्पू यादव पर कोई केस ही नहीं बनता, हमारी बेल नहीं मिली, बेल हमको नहीं मिली। मुझे दुख है इस बात का, 5 महीना मुझे बेतुकी केस में जाना पड़ा, कुछ विद्वान न्यायाधीश महोदय के चलते लोकतंत्र और संविधान आज भी बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बेल टूटी केस में एक 4 हाथ के रूम में कहा भर रहा था मूसा मारते भर रहा आगे मूसा काट ले पैर में, 4 ठो डीएमसीएच में मूसा का मारने वाला लगाए हुए थे, सांप का डर होता था, डर से निकलते नहीं थे, आधा छाती पानी में हम 4 महीना बिताए हैं, 5 महीना हाईकोर्ट में जब मेरा केस 162 पर आया, 100 पर आया तो फिर दूसरे दिन मेरा केस 362 पे चला गया, लगातार मैं डर चुका हूं, डर गया हूं मैं पहली बार, मैं सरकार और दुनिया से लड़ूंगा, मैं आज भी जहां बच्ची का बलात्कार हुआ वहां 1 लाख रुपया मैं मदद करके अभी जस्ट आया हूं। आपने सुना पप्पू यादव किस तरह से जो है एक तरह से बीजेपी और दूसरी तरफ से जो है आरजेडी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।